भारत में इस वक्त फिटनेस चैलेंज छाया हुआ है। राज्यवर्धन राठौड़ ने इसकी शुरुआत की और ऋतिक रोशन और विराट कोहली को यह चैलेंज दिया। इसके बाद विराट कोहली ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए वीडियो पोस्ट किया और प्रधानमंत्री तक को चैलेंज कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा ही एक फिटनेस चैलेंज 2 साल पहले पाकिस्तान में भी चला था? इनसे मिलिए, यह है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पूर्व खेल मंत्री मोहम्मद बख्श ने 2016 में इस चैलेंज की शुरुआत की थी। खेल मंत्री बनते ही बाकी मंत्रियों खासकर पंजाब प्रांत के खेल मंत्री को यह चैलेंज दिया था। इस फिटनेस चैलेंज के तहत मोहम्मद बख्श महर ने 40 सेकंड में 50 पुशअप्स लगाए थे। अपने ऑनलाइन वीडियो में उन्होंने बाकी मंत्रियों से भी ऐसा करने का चैलेंज दिया था। राठौड़ की तरह ही महर ने भी अपने वीडियो में फिटनेस टेस्ट देते हुए कहा था कि फिट बॉडी बनाने के लिए सभी पाकिस्तानी युवाओं को वो प्रेरित करना चाहते हैं। मोहम्मद बख्श महर के इस चैलेंज को स्वीकारते हुए उस समय पाकिस्तान के एक मंत्री आबिद शेर अली ने उनसे ज्यादा मुश्किल पुशअप्स किए थे और महर से 100 किलो से ज्यादा वजन उठाकर दिखाने को कहा था। मोहम्मद बख्श महर अपनी फिटनेस और लुक्स के लिए पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं। मोहम्मद बख्श महर के चैलेंज पर क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान ने भी पुशअप्स लगाए थे। वहीं भारत में अनुष्का शर्मा, विराट कोहली समेत कई नेता, बॉलीवुड हस्ती फिटनेस चैलेंज पूरा कर रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी ने भी इस चैलेंज को स्वीकारा है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।